लगातार जिस तरह से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, इस समय मौजूद हैं डेरवा के अंदर गांव में और विधानसभा बाबागंज में हम आइए बात करते हैं। मुस्लिम समाज में इस समय उपस्थित हैं, मुस्लिम समाज में क्या रुझान है, बीएसपी पार्टी को लेकर क्या रुझान है? सर, हमारे साथ में नदीम अहमद जी हैं जो इलाहाबाद से चल कर आए हैं, सुशील गौतम जी का प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे प्रचार में? देखिए, आज क्योंकि मुस्लिम समाज भी बहुत असमंजस की स्थिति में आ गया था, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की नीति रीतियों से बहुजन समाज पार्टी के पे आस्था रखते हुए पूरी मुस्लिम समाज की भरपूर समर्थन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील गौतम जी को बाबागंज में है। इसकी उपस्थिति आप लोगों की उपस्थिति बता रही है इस ग्राम सभा में कि सिर्फ एक छोटी सी नोटिस पे यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हो गए और माताएं और बहनें भी आईं। जो मुस्लिम समाज की आप मीटिंगों में कहीं माताओं और बहनों को नहीं देखते हैं, औरतें वहाँ घरों में रहती हैं, वो बाहर आके हैं क्योंकि आज ये बदलाव का दौर है। और सुशील गौतम जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के लोकल हैं, मौजूदा जिला पंचायत प्रत्याशी जिला पंचायत भी हैं, इनमें एक भरोसा है कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे क्योंकि यहाँ के विधायक को तीन से चार बार जिताने के बाद भी कहीं कोई विकास की बात नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। आइए बात करते हैं जो प्रत्याशी सुशील गौतम जी हैं, और मीडिया में हवा बनाया जाता है कि मुस्लिम समाज जो है सब सपा के साथ है, क्या कहेंगे आप? बीएसपी प्रत्याशी हैं, मुस्लिम समाज सपा के साथ है? जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हुआ है, हम लोग सर्व समाज में मिल रहे हैं, बराबर सभी लोगों का पूरी तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि बाबागंज ऐसी विधानसभा है जहाँ पे मीटिंग वगैरह जो है ठीक से नहीं हो पाती है, यहाँ लोग जो है दबाव में रहते हैं, इसलिए सर्व समाज की जनता अब की 22 में बदलाव चाहती है और 22 में बाबागंज में बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। क्योंकि पहली बार चुनाव होने जा रहा है जब जनसत्ता और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, हमेशा दोनों एक होकर चुनाव लड़ते थे, तब बहुजन समाज पार्टी 5-6 हज़ार वोट से पीछे रहती थी और अब की बाबागंज में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। मुस्लिम समाज के हमारे बहुत साथी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई निसार भाई जी और जुल्फकार, कई लोग ऐसे हैं हमारे साथी जो पूरी तरीके से पूरे विधानसभा में लगे हैं। उधर परियावा तरफ हमारे पूरी मुस्लिम समाज की पूरी कमेटी लगी हुई है, मुस्लिम समाज का पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। हम मुस्लिम समाज के सभी सम्मानित साथियों का सबका आभार प्रकट करते हैं, सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। आइए यहाँ के निवासी जो मुस्लिम समाज हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या रुझान है उनका, बीएसपी को वोट देंगे या और अन्य पार्टी को वोट देंगे? यहाँ पे जो है जनसत्ता पार्टी के लोग जो है दबाव बनाते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए, धमकी भी देते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हम तो मायावती जी को चुन के लाना चाहते हैं। आप भी मुस्लिम समाज से हैं, क्या कहेंगे? हम लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, मेरा नाम निसार अहमद है। हम लोग माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, बाकी सब यहाँ नेता होता कोई है नहीं, सब यहाँ जात पात की राजनीति करते हैं। बहन जी जो है सर्व समाज को लेकर चलती हैं, आज तक उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अब ये है कि मुस्लिम समाज गद्दारी कर दे बहन जी के साथ वो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन बहन जी ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया है। बहन जी के शासन में तो मुस्लिम लड़कियों को 25,000 रुपये और साइकिल भी मिलता था। हाँ, सही बात है, बहन जी ने मुस्लिम के नहीं सर्व समाज की लड़कियों को दिया, कोई मुस्लिम अकेले को नहीं दिया, इसीलिए तो हम लोग बहन जी को अपना मानते हैं आदर्श। हमारे समाज को बहन जी ने जो भी काम किया है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में कोई नेता नहीं किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए सबसे ऐसी मुख्यमंत्री हुई पहली जो उन्होंने अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनवाया। आज तक मुसलमानों को दीनी तालीम के लिए कोई नहीं कहता, कोई ये तो गुमराह करते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, लेकिन बहन जी ने उनको दीन के लिए भी दुनिया के लिए भी सब कुछ किया।